निहाल बोल के नीहा विच खड़ जाने गोविंद दे लाल सूबिया सब नीना डर जाने के गोविंद दे लाल सूबिया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मुढ़ क्रीम तो ही भावें कोई भी सरकार आवे हर सरकार ने सिखां प्रति अपना नकारात्मक रवैया अपनाया। पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है 165 देशों में गुरु नानक साहब के घर तो लंगर की सेवा चल रही है। हर बन्ने हर देश में सिख कौम की सिफत हो रही है पर सिख विरोधी सोच ते मानसिकता वाले लोग ते हिंदुस्तान दियां सरकारां ने हमेशा ही अपना घटियापन विखाया। गंगानगर गुरद्वारा बाबा दीप सिंह शहीद विखे 20 मार्च तो लगातार लंगर की सेवा चल रही है। सब तो वड्डे स्तर ते गुरद्वारा साहिब सेवा चल रही है। कल एक छोटी जी घटना वापरी गुरद्वारा सेवादार दी किसे नाले कार दी ते स्कूटर दी टक्कर भी नहीं हुई बोलचाल हुई हल्की सट वज गई। तुरंत पुलिस ने गुरद्वारा साहब का एक छोटा जा सेवादार 18 साल की उम्र का उस नूं चुक के थाने लै गए। असी पुलिस नूं इतराज दर्ज कराया कि इस बच्चे का कसूर नहीं, यह बच्चा लड़ाई में नहीं है, इसनूं छड्या जावे। पर उहदा कसूर सी बच्चे का क्योंकि वह सिख सीगा, वह दस्तार बंदा सीगा। यही सरकारां नूं यही सिख विरोधी सोच नूं बर्दाश्त नहीं कोई दस्तार वाला बंदा या कोई सिख चंगेरे काम कर सके। रात असी थाने पहुंचे, असी पुलिस नूं कहा तुसी प्रोपर जिहड़ी जिथे घटना हुई है उहदा सीसीटीवी फुटेज देख लो, तुसी गुरद्वारा साहिब दी सीसीटीवी फुटेज देख लो कि वह बच्चा उत्थे बैठा सेवा कर रहा है, इस लड़ाई च नहीं हैगा। पर पुलिस ने मना करता भी इक रात च की फर्क पैंदा, असीं सवेरे जांच करांगे। पूरी रात हुण तां बच्चा नजाई रखिआ, 307 दा उस ते केस दर्ज किया गया एक 18 साल के मासूम बच्चे दे। अज असी पूरे मीडिया के सामने कह रहे हैं जे वह बच्चा इस केस इनवॉल्व होवे लड़ाई इनवॉल्व होवे ते उस अधिकारी नूं 10 लाख रुपए का इनाम दांगे जिहड़ा साबित कर दे ये लड़ाई सीगा। जे वह गलत साबित होएगा तो असी प्रशासन नूं कहिंदे आ भी वह माफी मंगण ते बच्चे नूं तुरंत रिहा करन। अज भी वह जेल दी कार कोड़ी सड़ रहे हैं इस दे रोस वजों कि सिखां नाल फिर दोगला व्यवहार किया जा रहा है, दो नंबर का शहरी समझा जा रहा है। अज समुचे सेवादार अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। यह बेड़ियां यह जंजीर यह संगलां तां पाईआं गईआं ताकि पूरे विश्व पता लगे भी सिखां नाल दो नंबर का शहरी समझा जा रहा है ते हर वार उन्हां नूं गुलामी का अहसास कराया जा रहा है। असीं अपना धर्म निभा रहे हैं, असीं बेड़ियां संगलां पा के भी अपना धर्म निभा रहे हैं ते पुलिस वाले अपने धर्म तो कुताही कर रहे हैं। अज फिर धर्म ते धर्म की लड़ाई है। असीं विश्व भर दे सिखां नूं धर्मियों नूं मानत करन बेनती करते हैं कि सस्ती आवाज बुलंद करन जिहड़े दोषी अधिकारी है जिन्होंने अज नजायज एक छोटे बच्चे नूं जेल की काल कौड़ी बंद कर रखा है उहदे हक च आण ते उहनूं तुरंत रिहा करन। वाहिगुरु जी का खालसा सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर